हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था प्लैनेट। ठीक है, तो मैंने आपको प्लैनेट के बारे में बता दिया था कि प्लैनेट में जो भी ये सन और जो भी प्लैनेट स्टार्स हैं उनके बीच में कौन कौन से डिफरेंस है, ये सारा बता दिया था। और साथ में ये भी बताया था कि प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। ठीक है, तो जिस पाथ में रिवॉल्व करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, और जितना टाइम लेते हैं वो रिवॉल्व करने में उसका क्या बोलते हैं? उसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके लिए हम एक्टिविटी देख लेते हैं, सिंपल सी एक्टिविटी। आपने क्या करना है कि कुछ सर्कल्स लगा लेने हैं, कि वो सर्कल्स 1 मीटर रेडियस के हो, 1.8 मीटर रेडियस के हो, 2.5 मीटर रेडियस के, 3.8 मीटर रेडियस के, ऐसे चार पांच सर्कल लगा लेने हैं। ठीक है, और सबके सेंटर जो होने चाहिए अपने अपने कॉमन होने चाहिए। तो इस तरीके से जैसे कि फिगर में आपको दिखाया है कि आप जो है सेंटर में खड़े हो जाओ। ठीक है, आपके फ्रेंड्स को किसी को वीनस का, मार्स का, ठीक है, सन का, और मतलब जो बीच में खड़ा है उसने सन का ले लेना है कार्डबोर्ड, और बाकियों को मार्स, वीनस, अर्थ और मरकरी का कार्ड दे देना है। ठीक है, तो और फिर आप जब बीच में हो सन, ठीक है, बाकी जो है उनको बोलो एंटी क्लॉकवाइज वो क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वो आपके चारों तरफ घूमेंगे। तो जैसे कि आप सन हो, ठीक है, यहाँ पर सन है और ये बाकी जो प्लेनेट है वो इसी तरीके से हमारे जो एटमॉस्फेयर में प्लेनेट है वो सारे क्या करते हैं? जो हमारे प्लेनेट हैं ये सारे रिवॉल्व करते हैं। तो प्लेनेट की मूवमेंट आपको पता लग गई कि किस तरीके से अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। ये आप समझ लो सन हो और ये प्लेनेट है, एक एक प्लेनेट अपने अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज सन के चारों तरफ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ए प्लैनेट आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस लाइक ए टॉप। ठीक है, जैसे कि हमने ये तो पढ़ लिया कि सन के चारों तरफ जो है प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो प्लैनेट होते हैं वो अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करते हैं। कैसे? जैसे कि आपको टॉप का पता है, लट्टू जिसको कहते हैं, लट्टू को कैसे घूमता है? अपनी जगह पे गोल 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 घूमता है ना, एक दूरी पर। ठीक है, एक अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमता है। तो जिस तरीके से लट्टू अपनी जगह पे गोल गोल घूमता है, इसी तरीके से सारे प्लैनेट भी जो हैं वो रोटेट करते हैं। ठीक है, तो सन तो के चारों तरफ तो प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं, लेकिन प्लैनेट अपने आप में भी अपने एक्सिस पर क्या है? रोटेट हो रहे हैं, जैसे कि टॉप यानी कि लट्टू। ठीक है, तो द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ द रोटेशन। जितना टाइम लेता है एक प्लेनेट अपने रोटेशन को, मतलब अपने एक्सिस के रोटेशन पे कंप्लीट करने के लिए, उसे बोलते हैं पीरियड्स ऑफ रोटेशन। सम प्लेनेट आर नोन टू द मून सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम। एनी सिलिशियस बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सिलिशियस बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। जैसे कि प्लेनेट हम जानते हैं, जैसे कि मून है, ठीक है, कोई भी सिलिशियस बॉडी, सिलिशियस बॉडी आपको पता है कि सिलिशियस बॉडी कौन कौन सी होती है? मून है, सन है और स्टार्स हैं, ये सारे क्या है? सिलिशियस बॉडी। अगर कोई और सिलिशियस बॉडी दूसरी सिलिशियस बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो उसे बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, डज इट मेक अर्थ ए सैटेलाइट ऑफ द सन। अब पहेली आपसे एक क्वेश्चन कर रही है कि जो अर्थ है हमें पता है वो सन के चारों तरफ क्या करती है? रिवॉल्व करती है। इट मीन्स जो अर्थ है वो सैटेलाइट है सन का। तो यस, ये बिल्कुल सही है। कैसे? कि हमने अभी बोला जो भी सिलिशियस बॉडी किसी और बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व करती है वो उसका क्या होता है? सैटेलाइट। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये फॉर एग्जाम्पल सन है, ठीक है, ये सन है और सन के चारों तरफ जो है अर्थ जो है रोटेट कर रही है, ठीक है, रिवॉल्व कर रही है। अगर वो रिवॉल्व कर रही है तो हमने अभी पढ़ा कि सैटेलाइट क्या होते हैं, कोई भी सिलिशियस बॉडी दूसरी सिलिशियस बॉडी के चारों तरफ अगर रिवॉल्व करे तो वो उसका क्या होता है? सैटेलाइट। तो सन के चारों तरफ जो है अर्थ वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। वो रोटेट कर रही, इट मीन्स वो सन के लिए क्या हो गई? सैटेलाइट्स हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता है कि अर्थ के चारों तरफ कौन रोटेट करता है? बिल्कुल सही, अर्थ के चारों तरफ जो है कौन रोटेट करता है? मून। ठीक है, तो अब अर्थ के लिए मून क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया। ठीक है, देर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दीज आर द कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इसी तरीके से बहुत सारे, ये तो हमारे नेचुरल सैटेलाइट हो गए जो ऑलवेज प्रेजेंट है, कुछ जो होते हैं मैन मेड सैटेलाइट जो
मैनमेड सैटेलाइट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट जो है अर्थ के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि अर्थ हो गया, मून हो गया, ये सारे क्या हो गए, नेचुरल सैटेलाइट जो कि अपने आप बनाए, उनको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, किसी मैन ने नहीं बनाया, इसलिए वो क्या हो गए, नेचुरल सैटेलाइट। और जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, जैसे कि आर्यभट्ट वगैरह आपने सुना ही है। ठीक है, तो अभी हम पहले नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम मरकरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बुध भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मरकरी बुध। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। सन के सबसे नज़दीक जो है वो क्या है, मरकरी। इसके ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने बहुत याद ध्यान से रखने हैं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट आवर सोलर सिस्टम बिकॉज मरकरी इज वेरी क्लोज टू द सन। क्या होता है, जो हमारे स्मॉलर जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो है मरकरी जो है सबसे नज़दीक है सन के, और सबसे छोटा प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन, क्योंकि ये सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट एज मोस्ट ऑफ टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। ये मतलब बहुत कम देखना दिखाई देता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सन में इतनी लाइट्स होती ना, और उसकी लाइट्स की वजह से ज़्यादातर क्या करता है, ये छुपा रहता है। हाउ एवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सनराइज के पहले और सनसेट के बाद। नियर द हॉरिजन सो इट इज विजिबल ओनली द प्लेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग्स डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यूज ऑफ द हॉरिजेंटल मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ऑन। तो इसको हम उस जगह से देख सकते हैं जहाँ पर बिल्डिंग्स ना हो, बड़े बड़े पेड़ ना हो। ठीक है, तो मरकरी जो है उसका कोई सैटेलाइट नहीं है, इट मीन्स मरकरी के चारों तरफ कोई भी रिवॉल्व नहीं करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वीनस। वीनस मीन्स शुक्र। वीनस इज द अर्थ नियरेस्ट प्लैनेट नेपर। ठीक है, अर्थ के अगर कोई सबसे नियरेस्ट है वो क्या है, वीनस, जिसको शुक्र भी बोलते हैं। इट इज़ ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। इसको हम ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं, ये रात के समय में सबसे चमकता हुआ प्लैनेट है। समटाइम वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। कुछ मतलब टाइम जो है वीनस है वो ईस्टर्न साइड दिखाई देता है जब सनराइज होता है। समटाइम इट अपीयर इन द वेस्टर्न स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट के टाइम ये वेस्ट के साइड दिखाई देता है। देयरफॉर इट इज ऑफ्टन कॉल ए मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इसी कारण से इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल थ्रू इट इज नॉट ए स्टार दे टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई। ठीक है, ये क्या होता है, और स्काई की तरह हमेशा नहीं दिखाई देता है, ये नाइट स्काई में दिखाई देता है। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, फाइंड आउट सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम ए एल्मिनेट द टाइम व्हेन द वीनस इज विजिबल इन द स्काई। यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज वीनस बाय इट्स ब्राइटनेस। रिमेंबर दैट वीनस कैन नॉट बी सीन वेरी हाई इन द स्काई। यू मस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस एदर 1-3 hours बिफोर सनराइज एंड 1-3 hours आफ्टर सनसेट। आफ्टर सनराइज और आफ्टर सनसेट में अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो आप कुछ न्यूज़पेपर से आप मतलब ऐसे गोल्स रोल सा बना लो और उसको ध्यान से देखो कि जैसे कि टेलीस्कोप की तरह। ठीक है, तो आप जैसे सनराइज होता है उसके 1-3 hours के अंदर और सनसेट के 1-3 hours के अंदर, तो आपको जो है प्लैनेट दिखाई देगा। वीनस हैज नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ऑन। वीनस का कोई मून नहीं है, वीनस इट मीन्स इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इन द सम वट यूजल। इट रोटेट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमें पता है कि जो रोटेशन होती है अर्थ की वो क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट होती है। ठीक है, इसी तरीके से अर्थ रोटेट करता है, सॉरी, वीनस की रोटेशन होती है ईस्ट टू वेस्ट और अर्थ की रोटेशन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट। डज इट मीन दैट ऑन वीनस द सन वुड राइज इन द वेस्ट एंड द सेट इन द ईस्ट। इसका मतलब क्या हो गया,
कि वीनस का जो सनराइज होता है वो वेस्ट की साइड से होता है, और सनसेट होता है वो क्या ईस्ट की साइड से होता है। ये क्या पूछ रही है, पहेली पूछ रही है। तो इफ यू गेट ए चेंज ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू ए टेलीस्कोप, ठीक है, आप टेलीस्कोप की मदद से आप वीनस को देख सकते हो। वी विल ऑब्जर्व दैट वीनस शोज फेजेस जस्ट लाइक द मून। तो वीनस के हमें फेजेस भी दिखाई देते हैं जैसे कि मून दिखाई देता है। आप यहाँ पर देख सकते हो वीनस के जो आपको दिखाई दे रहे हैं फेजेस, जैसे कि मून के फेजेस होते हैं इसी तरीके से दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ जिसपे हम रहते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नॉन टू एग्जिस्ट सम स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो अर्थ है सिर्फ एक ऐसा सोलर सिस्टम, ऐसा प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जिसमें लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर है एनवायरमेंटल कंडीशंस सारी है, ठीक है। तो ये अर्थ के बारे में हम, और बाकी प्लेनेट के अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर बाकी प्लेनेट हम नेक्स्ट में करेंगे। तो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशंस आर द कॉन सॉरी कंटिन्यूशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। दीज इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल एटमोसफेयर एंड ए ब्लैंकेट ऑफ जोन। तो अर्थ पर लाइफ क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ये सन से इसकी डिस्टेंस ठीक है, इसकी वजह से इसके यहाँ का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस ही है, एटमोसफियर है, ओजोन लेयर है जो कि ब्लैंकेट का काम करती है। वी मस्ट, पहली कह रही है वी मस्ट टेक स्पेशल केयर द प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट सो दैट लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट डिस्टर्ब। अगर हम अपने एनवायरमेंट की अच्छे से केयर करेंगे तो हमारे अर्थ की लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर एंड द लैंड मास ऑफ इट्स सरफेस। अब आपको पता है कि अर्थ अगर देखी जाती है तो वो कैसी दिखाई देती है, स्पेस से ब्लू ग्रीन दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जब इस पे लाइट होती है और लाइट की रिफ्लेक्शन जाती है तब वो दिखाई देती है। तो लाइट की रिफ्लेक्शन जाती है तो ब्लू ग्रीन दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ पे क्या है, बहुत सारे हरी चीज़ें, हरे पेड़ पौधे हैं, खेत हैं, ठीक है, और ब्लू मीन्स इसके बहुत सारे पानी, ऑलमोस्ट एरिया अर्थ का क्या है, वाटर है, ये तो आपको पता ही है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेनेट ऑफ इट्स ऑर्बिट। द टिल्ट इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द सीजन ऑफ द अर्थ। द अर्थ हैज ओनली वन मून, ठीक है, अर्थ का एक मून होता है, मीन्स एक सैटेलाइट है उसका। जो अर्थ है आपको पता है अपने ही एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है और सन के भी चारों तरफ क्या करती है, रोटेट करती है, जिसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। इफ आई एम 13 ईयर ओल्ड हाउ मैनी टाइम हैव आई गोन राउंड द सन। अब वो कह रहा है कि अगर मैं 13 साल का हूँ तो मैंने कितनी बार सन के चारों तरफ चक्कर लगाए होंगे। तो पता ही है उसने क्या होगा, 13 बार ही चक्कर लगाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मार्स, मंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, ये भी छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मार्स पढ़ लेते हैं, फिर बाकी बाद में पढ़ लेते हैं। मार्स द नेक्स्ट प्लेनेट ऑफ द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। जो नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा वो कौन है, मार्स, जिसको हम मंगल कहते हैं, ठीक है। मंगल यार आपने मूवी देखी होगी ना, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे मंगलयान एक बार जाता है तो किस तरीके से वो तो पहले तो पहुंच नहीं पाता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन जब सेकेंड टाइम उन्होंने रिसर्च किया था तो क्या हो गया था, हमारी इंडिया जो है कामयाब हो गई थी मंगलयान पर पहुंचने में, और वहां की पिक्चर्स जो है ली गई थी। तो नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा आउटसाइड ऑर्बिट अर्थ मार्स। इट अपीयर स्लाइटली रेडिश, ठीक है, कई बार होता है। रेड प्लेनेट किसको कहते हैं, वो कौन सा है, मार्स। इट इज आल्सो कॉल्ड द रेड प्लेनेट। मार्स हैव टू स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट। मार्स के दो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई होप आपको इतने प्लैनेट अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, इनके कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना।